अब तो पाबंदियाँ सख्त करने की ज़रूरत है। वो मसले नहीं ढूंढने चाहिए जिसमें कुछ रियायतें थी, वो रियायतें नेक दौर के लिए थी। नेक दौर में वो कोई नहीं उससे फसाद होता था, अब तो तबाही मच है। अब ये सिर्फ कुछ चेहरा नंगा रखने वाली बात, आप देखते हैं वही वला तवर्रदना तबर्रुज अल जाहिलियत अलूला, कि जैसे कुफर के ज़माने में अपनी नुमाइश करती फिरती थी, नुमाइश घर से निकलती पूरी तरह तैयारी करके कि जैसे लोगों को शिकार करना, कितने में मुबतला घरों में सादा रहेंगी, बाहर आएंगी ड्रेस नया किस्म का और जेब जीनत हैं, चाल ढाल ऐसी कि दुकानों पर खड़े लोग ही देखने लगे ये क्या आ गया तमाशा। तो ये तबर्रुज है। तो मैंने एक शियार्म का पढ़ा, उसने पर्दे पर लिखा मुतहरी ने, वो कहता भाई साहब बात सुनो, हर वो शह जिससे एहसास हो जाए कि यहाँ कोई औरत है वो हराम है, उससे मत पता चले, खुशबू है कोई हरकत है जिससे वो अपना औरत होना वहाँ दिखा देना हराम, अब उसके फतवों की ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसी है कि किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ कोई औरत आई है, बिल्कुल सीधी सादी ना कोई नाजना नखरा, तो कोई बात नहीं। इसीलिए बूढ़ियों का अल्लाह ने कह दिया कि अगर वो ना भी ज़्यादा अपने आप को ढांकें तो कोई बात नहीं, हालांकि उनको भी कहा कि अगर वो भी पूरी तरह रखें पर्दा तो अच्छा मगर इजाज़त दे दें। तो जहाँ नीयत ही ये तबर्रुज की कि आना ही इसलिए कि लोग मुझे देखें, और अनेक ताशमी बेचारी बयान कर रही थी उसका भी था कि ये मंगनियों पर लड़कियों को ले जाओ, वो कहते हैं ले जाती बना संवार करके वहाँ लड़के इनको देखें ये उनको पसंद करें, सबकी नीतें बात। अब इत्तेहाद को रोते कि इत्तेहाद करो, इत्तेहाद फिर दीन का तो ये है कि बंद करो इनको, बिल्कुल घरों में बंद करो, अगर थोड़ी बहुत छुट्टी वो भी ख़त्म है।